विराट कोहली से भिड़ने वाले खिलाड़ी की टीम में वापसी और वर्ल्ड कप में होगा आमना सामना। भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2023 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज नवीन उलख आपस में भिड़ गए थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मागर्म बहस ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। इसके अलावा इस विवाद में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर की भी एंट्री हुई थी। बहरहाल पिछले दिनों अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान किया। इस टीम में तेज गेंदबाज नवीन उलख की वापसी हुई है। दरअसल नवीन उलख की काफ़ी लंबे समय के बाद टीम में वापसी हुई है। बहरहाल सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि जब आगामी वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान टीम का आमना सामना होगा तो विराट कोहली और नवीन उलख के बीच रोचक जंग देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम 11 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं भारत अफगानिस्तान मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से हो रहा है, जबकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से अपने वर्ल्ड कप का अभियान शुरुआत करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान की टीमें 11 अक्टूबर को दिल्ली में आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। दोस्तों, अगर आप भी अफगानिस्तान और इंडिया के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो नवीन उलख और विराट कोहली में आप किस खिलाड़ी को सपोर्ट करेंगे हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।